तो ये बिल्डिंग से कुछ छलावा टाइप खुले में आया कि एक चीज है वो उधर लोगों ने नमाज के टाइम ना तारों पे लटकी देखी है। उसका मुंह इतना बड़ा, उसका मुंह था गुरुद्वारा गई है उसी जगह पे है। अच्छा सुन, अच्छा बोल, कैमरा पकड़ो, अंदर से व्यू लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं असद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम वो क्या होगा। मेरे साथ हैं हसन भाई। अस्सलाम वालेकुम गाइस। और शबाज भाई। अस्सलाम वालेकुम गाइस। कैमरे पे हैं शफकत भाई। तो ये साहब ने ये चीज होती है शफकत जब जो होती है ये अब बंद हो गई ये इंसान पर कुछ भी हो सकता है यार। इधर जी तीन झाड़ियां। अच्छा, जैसे कि आप हमें देख रहे हैं इस टाइम हम ऐसी लोकेशन के ऊपर मौजूद हैं जहाँ पर एक नहीं दो नहीं हत्ता कि 70 से ज़्यादा कहने 100 घर ऐसे हैं जो कि गैर आबाद हैं इस इलाके में। तो जगह की डिटेल बताने से पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि आपका आपका जो प्यार है उस प्यार के लिए आपका बेहद शुक्रिया अदा करते हैं, ताकि आप हमारी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं अपने दोस्तों के साथ। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो अगर अभी तक आपने फेसबुक पर वो क्या होगा को फॉलो नहीं किया तो फेसबुक पर भी हमारे एपिसोड्स होते हैं, उनको लाजमी आप देखें, उसको लाइक करें, शेयर करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज हम एक ऐसी जगह पर मौजूद हैं जहाँ पर आज से 10 साल पहले एक काफ़ी बड़ी तादाद में कब्रिस्तान हुआ करता था, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कब्रें थीं। और जैसे कि हम एक ऐसी लोकेशन पर मौजूद हैं जहाँ पर तकरीबन 4 दिन पहले हमने एक वीडियो पोस्ट की थी, जो कि शबाज भाई दोपहर के टाइम यहाँ पर आए और उन्होंने देखा कि इस जगह पर तकरीबन 70 या 100 मकानात ऐसे मौजूद हैं जो कि गैर आबाद हैं। और स्टोरी हमें यहाँ पर गांव वालों ने ये बताई, यहाँ पर कब्रिस्तान हुआ करता था जहाँ पर सैकड़ों ज़्यादा कब्रें थीं। और तकरीबन ये कितने कनाल की ये मरबों की जगह बताई जा रही थी, ये काफ़ी सैकड़ों की बताई जा रही है कि एकड़ में है, पता नहीं कितने एकड़ है ये।
तो इस जगह पर कब्रिस्तान हुआ करता था और इस जगह को खरीद लिया गया, और उसको खरीद कर जो कब्रें थीं उनके बेहुमती की गई, और उसके बाद इस जगह पर मकानात को तमीर किया गया, जो कि तकरीबन और तकरीबन हाफ ही तकरीबन कह लें बन सके। कईयों के लेंटर थे, कईयों की छतें डली, और कईयों की मतलब जो है मुकम्मल होने ही लगे थे घर, लेकिन कुछ ऐसे मामला यहाँ पर रूनमा होने लग गए, जिस वजह से इन्होंने ये जगह को इसी वक्त जो है उसी वक्त उन्होंने बंद कर दिया। और काफ़ी मजदूर थे जिनके साथ अजीबोगरीब मामला पेश आए। एक मजदूर है जिनकी हमें वॉइस मिली, उन्होंने हमें बताया कि जब वो दोपहर के टाइम यहाँ पर काम कर रहे थे अपनी लेबर के साथ, तो वो वापसी पर दोपहर के टाइम अपना खाना लेने के लिए घर की तरफ जब जाने लगे हैं, तो उनको एक आवाज़ सुन रहे हो? बड़ी ऊंची सी आवाज़ आई। तो दोपहर के टाइम जब अपना खाना लेने के लिए घर को जाने लगा, तो उसको एक औरत नज़र आई है। वो औरत काफ़ी ज़यीफ थी, उसने ना जो है वाइट कलर के कपड़े पहने हुए थे। उस मजदूर ने समझा कि शायद कोई औरत है, रास्ता भटक गई है, क्योंकि साथ ही गांव लगता है। तो उसने समझा मैं ना इनको माजी को जाके बता देता हूँ। जब उन्होंने देखा तो उसकी जो स्किन थी वो ऐसी थी जैसे कोई काफ़ी सालों बाद किसी मुर्दे की नहीं हो जाती, और उनके उनके मुताबिक उसने औरत ने कफन डाला हुआ था अपनी बॉडी के ऊपर। वो लग ऐसे रहा था जैसे जो हिंदू धर्म में जो होती हैं साड़ियाँ नहीं डाली होती हैं, ऐसे वो कह रहा था। उसके कपड़े लग रहे थे, थोड़े गले हुए थे। तो उसके बाद भी बहुत ज़्यादा वाक़ियात हुए। शुभात भाई दोपहर के टाइम आए तो इन्होंने क्या यहाँ पर चीज़ें देखी वो शुभात भाई की जबानी जानते हैं। असल भाई ये जितनी बड़ी जगह है ना, एक नहीं दो नहीं तीन तीन चार चार गार्ड थे यहाँ पे। उन चारों के साथ यही मसला हुआ है कि उनको ना थप्पड़ भी पड़े हैं, जानवर हमला भी हुआ उनके साथ, ठीक है, और आवाज़ें भी आती हैं उनको। शुभात भाई किसी गार्ड से मिले आप? गार्ड यहाँ पे कोई है ही नहीं है यार, किसे मिलते हम। लेकिन लाका मकीन का ये कहना है कि जितने भी जो लोग आसपास गुजरने वाले हैं सब यहाँ से अब गुजरते नहीं है, जिनका रास्ता ये लगता है अब दूसरी साइड से जाते हैं वो। काना गाचा के बिल्कुल पास ही है। आवाज़ें आ रही हैं जैसे कोई सांप नहीं, तो लगातार इस तरफ से आवाज़ आ रही है। यहाँ पर तो देखे ना बंदा ना बंदे की ज़ात है इस जगह पर। तो उसके बाद क्या हुआ शबाज भाई? उसके बाद मुझे भी थोड़ा सा खौफ लगा दोपहर के वक्त। भाई दोपहर के टाइम मैं आपकी वीडियो जब देखी ना, दोपहर के टाइम यहाँ पे इंसान नहीं था। अब तो चलो अंधेरा हो गया ना, दूर दूर तक घर नहीं नज़र आ रहे। जहाँ तक हमारी नज़र जा रही थी सिर्फ घर ही घर नज़र आ रहे थे, जो कि गैर आबाद हैं और थोड़े थोड़े तमीर हो चुके हैं। उसके बाद इनकी कंस्ट्रक्शन जो रुक गई और मामला तो आपके सामने हैं। तो कब्रिस्तान जो है एक बहुत ही ऐसी एक जगह होती है जहाँ पर हर एक मुसलमान को हमने जाना है। तो हम उसकी बेहरमती कर कर हमने उसके ऊपर ये बनाया, ये मकानात बनाए, और दौलत जो है हमें इस दुनिया के लिए हमें मिलनी है, तो अगली दुनिया में तो हमारे नामा ही माली जाने हैं। तो ये सारे मामला इस जगह पर हुए। तो कुछ वीडियोज़ हमें मसूल हुई, कुछ वॉइस हमें मिली, तो हमने तकरीबन एक महीने तक इस जगह को वेरीफाई किया कि ओरिजिनल है या नहीं है। उसको ढूंढने में एक महीना हमें लग गया। तो उसके बाद हम इस जगह पर पहुँचे हैं। तो अब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते हैं, अंदर चल के देखते हैं। रात के तकरीबन 12:15 का टाइम है और इस वक्त इस जगह पर अजीबोगरीब चीज़ें होना स्टार्ट हो जाती हैं जो हमें बताया गया। तो दोपहर के टाइम भी तो होती हैं, लेकिन इस टाइम रात का ऐसा एक टाइम पीरियड है जहां पर 12 बजे के बाद अजीबोगरीब चीज़ें आसमान से भी उतरती हैं। और काफ़ी ज़्यादा हमारे एक्सपीरियंस में भी ये चीज़ में आई है कि 12 बजे का जो टाइम होता है ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल में यह कह लें या फिर ख़तरनाक होता है ऐसी जगह पर। तो हम बिस्मिल्लाह करते हैं और आपको दिखाते हैं कि वो क्या होगा। सर वो दिखाओ पहले। जिनके नाम आए थे इधर? नहीं मैं ना सिर्फ उस साइड पे था, लेकिन आगे मुझे ना मुझे नहीं पता ये झाड़ियाँ थी और दूर तक ये मकान बने हुए नज़र नहीं आए मुझे। ये देखो ना कमरों के अंदर पौधे हैं ना लगे हुए हैं, इसका क्या मतलब है यार? ये देखो भाई ये बहुत टाइम हो गया इसको। और हमें एहसन असद हमें बड़े ध्यान से पांव रखना चाहिए, क्योंकि ये कब्रिस्तान था किसी वक्त में। वो ना हो किसी ने ऐसी वैसी चीज़ पे हम पांव रख दें तो हमारा जो ना पता नहीं चलना यार, लेवल तो किया हुआ है पता। तो वो
उस बंदों को चल गया होगा एहसन भाई जिन्होंने ये काम करने की कोशिश की है, लेकिन उनका अपना भी नुकसान हुआ है, उनको ये नहीं मालूम कि कितनी तादाद में ये मकान है, करोड़ों रुपया लग चुका है, काम रोक दिया है, लेकिन उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आगे आए जरा, हमने बड़ी कोशिश की कि हम दिन के टाइम तक पहुंच जाए लेकिन हम पहुंच नहीं सके। ये सीढ़ी ऊपर जाती है, से आवाज नहीं आ रही है सर। मुझे लग रहा है कि इस घर के पीछे से ज्यादा आवाज आ रही है। इधर आओ, ये क्या है यार? नीचे मैंने यहाँ से बैठ गया था। ये ऐसे ना भाई दिखाना जरा, ये ना ये मकानों की बैक साइड है जो कि गली नुमा है, वो भी झाड़ियों से भरी पड़ी है। ये देखो, कुछ मैंने ना एक दो कमरों में ना मैंने कुछ जानवर की हड्डियां देखी हैं, जबाड़े देखे हैं मैंने। चलें तो मैं थोड़ा सा खुद खौफज़दा हो गया था कि ये चीज़ें ऐसे कहाँ यहाँ पे क्या कर रही हैं। हम आपको दिखाएंगे, ऊपर चलते हैं। ऐसा भैया आए, नीचे आओ, नीचे आओ, आवाज आई। ऐसा भाई कहाँ से आई आवाज? क्या हुआ? मट्टी देखो अभी भी उड़ रही है। जैसे उस दिन भी मेरे साथ ऐसे ही हुआ, मैं एक मकान के अंदर एंटर होता था तो उस साइड से मुझे आवाजें आती थी, ऐसा इधर भी वही मामला तो हो रहा है। कोई है ना पास में? जैसे लगा सुनिए, हसन भाई आ गया हो, बहुत बड़ी जगह है, हो सकता है कि हमें यहाँ पे दिन चढ़ जाए। कुछ मकान असद ये इस साइड पे हैं लेकिन झाड़ियों के आगे हैं। बहुत ज़्यादा जरा अगर बंदा लम्मा पिया हो तो आवाज़ या मसल ना पता चलता है कि इन पैरों की आवाज़ आ रही, इस तरह कुछ चीज़ें चल रही ने ते ताँ कर तुम्हें कहना मेहर तुम इतने चले जाओ। असं मगर उस तो बाद आप नहीं खुद इनके अंदर एंटर होंगे ना, अं किसी होन देने इन सेवा सप वगैरह बहुत ज़्यादा जानवर जानदार चीज़ा भी बहुत ज़्यादा खतरनाक इन है ने, फिर इस करके अं किसी अंदर आते ना अं आप अंदर जाने। तो ये जगह कितनी देर हो गई बंद?
ये तकरीबन मेरे ख्याल है 2002 तो बंद ही है, साढ़े को 2002 का ठेका है। तो अभी जब आपने हमें यहाँ पे पुलिस बुलवाई है, तो वो जो पुलिस कह रही थी कि यहाँ पर रात के वक्त चीखों की आवाजें आती हैं, ये क्या, इसमें क्या हकीकत है ये बताएं। या इसमें ये हकीकत है, मसलन एक बंदा सो जाता है ना तब जी, या अगर सोता नहीं वैसे लेट जाता है जी, तो मसलन अगर बंदा ध्यान से गौर से आवाजें सुने तो बिल्कुल ऐसे ही लगता है जैसे इधर कुछ चीजें चल रही है, पाओं की आवाजें आती है, अच्छा चलने फिरने की आवाजें आती है। तो वो जो इस तरफ कह रहे हैं कोई जगह है, कोई अंदर काफी ज्यादा मामला खराब है, आप मजीद आगे जाएंगे हमारे लिए खतरा है, तो उसके बारे में कुछ बताएं, जो चीखों की आवाज है वो भी बताएं, लड़की की जो चीखों की बात हो रही थी। हाँ, इस मसन आगे जितने जाएं तो मसन डर तो हमें भी लगता है इस अंदर जाने के लिए, किसी को हम ना खुद जाते ना किसी को जाने देते। अच्छा, अंदर से बहुत ज्यादा काफी ज्यादा जो है ना मसन लड़कियों की चीखों की आवाजें भी आती है, बस जिस तरह जिन्नात वगैरह नहीं होते जी, इस तरह की बहुत ज्यादा, तो चोर चूर वगैरह जिस तरह, हमें तो बहुत ज्यादा डर लगता है अगर कोई आ भी जाए हमारा को अपना को पराया आ भी, हमारी कोशिश होती है हम उसको जो है ना इसके अंदर इंटर ना होने दे, यहीं से बाहर भेज दे, तो जो बहुत मसला इसके अंदर जो ड्रामा। तो अगर हम अभी मजीद आगे चलते हैं तो हमारे साथ कोई मसला तो नहीं हो सकता यहाँ पे, यहाँ हो सकता भाई? ये तो जो है ना आप ही जा सकते हैं, हम इस चीज़ की जिम्मेदारी नहीं ले सकते आपकी, क्योंकि अभी आपने देखा हमने पुलिस वालों को बुलाया है, तो जो है ना मसलन इस चीज़ का हम जिम्मेदार नहीं है, अगर जाना है तो आप अपनी जिम्मेदारी पे जा सकते हैं, हम नहीं इस चीज़। कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ अभी तक यहाँ पर? कोई जानी नुकसान तो हुआ है काफी मरतबा जो है ना मसलन हुआ है, मतलब शहबाज भाई बड़ा खतरनाक काम है ये। तो अभी अभी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे तो एकदम से ना यहाँ पर जो है हमारी पुलिस फोर्स आ गई थी, पुलिस फोर्स के जवान आ गए थे, तो उन्होंने हमें रोका, हमारा जो है वीडियो कैम देखा कि इस बंजर जगह पे हम क्या करें, तो ये भाई यहाँ पर मौजूद हैं, तो ये गार्ड हैं और ये भी भाई हैं, इन्होंने जो है पुलिस को बुलाया और हमारी तफ्तीश हुई, उसके बाद वो चले गए, उन्होंने कहा कि आप भी यहाँ से चले जाएं, जगह खतरे से खाली नहीं है, लेकिन हमने उनको कहा कि हमारा तो ये काम है, हमने ये करना है। तो भाई हम इस जगह पर मौजूद थे तो यहाँ पर जो पुलिस अहकार थे वो हमारे वो आ गए, और ये यहाँ पे गार्ड होते हैं, तो हमने जो है यहाँ पर देखा लाइटों के साथ कि रात के इस टाइम हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, तो सारी स्टोरी आपको हमने बताई कि पुलिस यहाँ पर क्यों आई, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर एक्टिविटीज़ होती हैं, जानी नुकसान भी यहाँ पर हुआ है, तो उसके बाद भाई हमें यहाँ पे ले गया, इन्होंने कहा आप जिस जगह पर खड़े हैं उससे ज़्यादा ख़तरनाक ये एरिया है, तो इस एरिया की तरफ भी हमें लेके आए हैं, तो भाई इसकी तरह हकीकत मजीद कुछ बताएंगे क्या है यहाँ पर। यहाँ पर भाई ये मैंने जो मसलन आपको बताया कि वो जो जगह जिस जगह पर पहले खड़े उधर ज़रा थोड़ा सा कम है, इधर तो जो बहुत ही ज़्यादा है, तो इधर हम मसलन अगर बैठे हों या लेट जाएँ तो बहुत ही ज़्यादा जो है ना ख़तरनाक आवाज़ें आती हैं चलने फिर। आपके साथ कभी हुआ है ऐसा? जी कई मरतबा हुआ है, आवाजें आती हैं। हाँ, आवाजें आती हैं, लेकिन अब मजबूरी है, काम तो करना ही है, मजबूरी तो, लेकिन ये अब क्या करें भाई, इसके बारे में कुछ बता नहीं सकते आप। इससे आगे थोड़ा सा साथ दे दें हमारा, फिर आगे जा सकते हैं हमारे साथ, हमारे साथ रह सकते हैं आप? नहीं नहीं, बहुत मुश्किल भाई, हमें खुद डर लगता है, हम क्या करें। तो हम जो है तीनों चलते हैं फिर हसन भाई, हम तीनों चले जाते हैं। तो भाई आपका शुक्रिया, आपने हमें यहाँ तक गाइड किया, बाकी हम इस जगह पर देखते हैं, तो आपका बहुत शुक्रिया भाई। बाद यहाँ पर तो मोबाइल के सिग्नल तक नहीं आ रहे, नहीं आ रहे यार। अरे ये रास्ता बता रहा है, ये रास्ता बता रहा था, अब आ रही है कम है, पता नहीं यार क्या इशू है। चले चले आ गया हूँ। अब ठीक है भाई? सब है, लेकिन चले बुला रहा है। यार मतलब आपको ना जीवो की स्टोरेज यहाँ से सुनने को मिल रही है, किसी ने कहा 10 साल पुराना, लेकिन अब जो हकीकत सामने आई है वो ये है कि ये कम से कम 18 साल पुराना है। यासर भाई ये दिखाओ कमरे अंदर से, ये झाड़ू यहाँ पे नया झाड़ू पड़ा है, ये तो नया आगे चलो। बैक एरिया यार, क्या है इधर?
यार कुछ भी नहीं, मैं लॉबी का हूँ। पहले थे ना उधर ऊपर वाला पोर्शन वगैरह नहीं बना हुआ है जी, लेकिन इधर जो है यार ये कंप्लीट है, काफी खर्चा हुआ है इधर। ऊपर आओ असल, आओ आगे चलते हैं पास। क्या हुआ? उस भाई ने बताया कि 15-20 से मिनट ज़्यादा आप यहाँ पे बैठ नहीं सकते, ऐसे क्या मामला थे यार। क्या के बाद उस सामने नजारा ही कितना डरा देने वाला है। स्मेल बहुत ज्यादा आ रही है, सर इधर आओ। अच्छा ये सात वाला पोर्शन है। आवाज सुन, ये लड़की की चीखी ना, वो ये क्या लटका हुए? इतना खतरनाक घर है यार, वो देखो सामने। जंप मारेंगे यहाँ से? जंप तो नहीं लगेगा, नीचे ईंटें हैं, हम उस तरफ से चलते हैं, फिर उनका रास्ता तो होएगा ना। इधर आ जरा, शिकार में करूँ जंप। हाँ देखो इधर करूँ, अगर जा पाओगे तो फिर है भाई। ये देखो ना क्या हुआ, टूट जाएगी ये, टूट जाएगी भाई, टूटना चाहिए, नहीं तो जंप हो सकती है। आ गया वो सर। उधर पड़ा यार, ये क्या हुआ है?
नीचे चले हसन भाई, जरा हसन भाई नीचे चले फिर। ये देखा किसी लड़की की आवाज नीचे से है, इधर इधर ऐसा भाई नीचे से आ रही है, नीचे से आई। इधर 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 शबाज उधर कोई चीज गई। शबाज हसन भाई भागो, इधर 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 शबाज उधर कोई चीज गई। शबाज हसन भाई भागो उधर, आओ जल्दी 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 जल्दी। इधर कोई चीज गई है, इधर वो देखा सर, वो देख जल्दी जल्दी आओ इधर इधर आओ इधर। इधर कोई चीज गई है, ऐसा भाई भी खड़ा था वहां पे। ओए होए आवाज सुनी ना उसकी, आ गया उधर। ओए 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 हसन भाई पीछे देखे यार, कौन है यहाँ पे, कौन है? ओए शबाज आगे घना होता जा रहा है यार। यार ये कॉलोनी तो लाकी नहीं रही है, ये तो जंगल लग रहा है, जंगल के अंदर ही कह लोगे। इधर आओ आगे, ओए ओए आगे आओ यार। नहीं इधर नहीं जाना यार, तुम आगे आओ यार, कुछ नहीं होता, आगे आओ, ओए आगे आओ, पीछे नहीं देखना आपने। नहीं इधर नहीं जाना यार, तुम आगे आओ यार, कुछ नहीं होता, आगे आओ, ओए आगे आओ, पीछे नहीं देखना आपने। बाद और भी रास्ता नहीं है, असद आगे आ तू। मुझे भी ऐसे लगा यार, आ रही यार। है कौन है, पीछे ना देखो यार हसन भाई, यार हमको ज्यादा ही नहीं आ गया आगे। क्या हो रहा है, हैं क्या हो रहा है, है? शुभ इधर आओ, आप उस कमरे में देखो, मैं इधर हूँ। बस घर में जाने का रास्ता कहाँ से, यहाँ से जाएंगे सर। ये मेरे ख्याल से यार ये एक साइड से बंद है, ये उधर से हम देख खड़े होके ये देख रहे थे ना, ये
यही घर हम देख रहे थे। उसके अंदर एंट्री किधर से है? उस चीज़ के पीछे यहाँ तक आ गए हैं। वो बड़ी अजीब सी चीज़ थी, काली सी थी और मोटी भी नहीं थी, चौड़ाई में भी नहीं थी, लेकिन ऐसे जैसे वो जैसे हवा, अगर आप किसी कपड़े को हवा नहीं देते वो ऐसी उसकी लहरें होती हैं, वो ऐसी थी, ऐसी थी। मुझे ना ये भागते हुए भी नज़र आई थी जब हम यहाँ पर आई थी। ऊपर जाना है, देख लेते हैं। चलो ये सुनो यार, ऊपर से ही यार, कोई चीज आके लगी यार। ओए ओ ओ ओ ओ ओ कभी इधर कभी उधर यार, ये हो क्या रहा है? अभी मैंने कुछ देखा यार यहाँ पे। कौन है यहाँ पे? ओ बच्चा, कौन है? शुबाद आ जाओ वापस, शुबाद वापस आ, शुबाद वापस आ। कौन है? क्या था? कोई है उधर यार, चले चलते हैं। ये रास्ता तो भाई वो जहाँ से हम आए थे। चलो असल भाई यहाँ से जाना तो पड़ना यार। बिस्मिल्लाह। ये हड्डी पड़ी हुई है कहाँ पे? ये देखो हड्डी पड़ी हुई है।
चलो 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 बाहर निकलो यार, यहाँ से सांप ही होंगे। अच्छा यार शबाब, जगह बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, हम गए कहाँ से निकले कहाँ से हैं। मेरे समझ में नहीं आ रहा है यार, पुलिस ने भी हमें सरासर हमें कहा कि जगह से चले जाएं, फिर यहाँ पे गार्ड आए उन्होंने क्या दिया, और हम इतने से लोग इतनी जगह को कवर नहीं कर सकते। गाइस पुलिस ने भी हमें यही बताया कि अंदर मामला खराब है, गार्ड ने भी यही बताया, उन्होंने कही ना सेम वही आवाज़ें। अभी हमारे साथ भी हुआ ऐसे ही हुआ है, जो उन्होंने बताया था वो सच था। हम आए असर भाई, ये और मजीद जगह दिखा दें कि हम इसको कवर नहीं कर सकते, पूरी रात भी चली जाए ना तो हम इस जगह को। जगह के बारे में गाइस आपको बता दें, 400 एकड़ जमीन है ये, जिस जगह पे ये मकान डले हुए हैं, तो इसका कोई वाली वारस नहीं है। तो लोकेशन आपने देख ली है कि अजाड़ है, बिल्कुल वीरान पड़े हुए हैं, इस साइड से भी इस साइड से भी दोनों साइडों से है मकान। यार वो दिखाओ यार सामने, कितना खौफनाक रास्ता है यार। अब वो हम आपको पूरा सिचुएशन दिखाते हैं इस जगह की, कि हमने गाड़ी कहाँ पे लगाई है, हम आए कहाँ से हैं, गार्ड हैं जो वो भी चले गए यहाँ से। अब यहाँ कुछ बाहर कुछ भी हो सकता है, देखना कुछ जानवर भी आ सकता है। 2002 में गाइस काम शुरू हुआ था यहाँ पे, लेकिन कुछ मामला होने की वजह से काम यहाँ पे ब्रेक करना पड़ा, और इतना बड़ा ये ठेका था जो बंद किया हुआ है। लोकेशन काफ़ी बड़ी है यहाँ पे, उधर करना लाइट ज़रा यार, उसने 70-80 बताए थे, 70-80 से बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा तादाद है यार इनकी। ऐसा ना भाई, इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं, 400 एकड़ ज़मीन है यहाँ पे, तो इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं ऐसा ना भाई। वो आपको सामने गाइस सड़क एक नज़र आ रही होगी, जहाँ कोई रौनक नहीं है, गुजर रहा कोई नहीं है। ये देखो यार, इधर करो कैमरा, वो देखो सामने कैसे वीरान पड़ी जगह यार, सारी की सारी ऐसे कर दी है। ये जो कब्रिस्तान के ऊपर इन्होंने घर बनाए यार, इतना बर्मा अभी भी थोड़ा बहुत कह रहे हैं कब्रिस्तान मौजूद है, लेकिन वो थोड़ा सा आगे है। ये सड़क देखे मुझे ना कुछ अंदाजा लग रहा है कि कब्रिस्तानों की भी जो सड़कें होती ना इतनी बस होती हैं, ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि इस साइड पे भी जगह है, इस साइड पे भी जगह है। वो हमारी गाड़ी लगी है, और यहाँ से चल के हम यहाँ इतनी दूर तक गए हैं, बीच में से कुछ स्किप भी हमने की है वीडियो। ओए ये दिखाओ, ये दरख्तों के पीछे दिखाओ यार, इसके पीछे भी मकान है यार, बड़े मकान है। चलो यार निकलते हैं, बाकी गाइस दोबारा यहाँ पे आएंगे, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।